चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, और फोर्थ चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में जो स्टार्टिंग का टॉपिक है जो हम लोग अभी कर रहे हैं वो है फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब कभी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो उस पर फोर्स लगता है, और उस पर जो फोर्स होता है होता है क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू होता है चार्ज पार्टिकल का चार्ज, वी होता है उसकी वेलोसिटी, बी होता है मैग्नेटिक फील्ड, और जो थीटा होता है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। और अगर आप इसी एक्सप्रेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस भी होता है। तो उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं कि कैसे कैसे हम क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक ए है एक बी है, दोनों का मास अलग अलग, एक का मास m है एक का मास 2m है, और एक का चार्ज q है और दूसरे का चार्ज 2q है, और दोनों को सेम मैग्नेटिक फील्ड में हम एंटर करा रहे हैं। अब देखो जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो दोनों में फोर्स लगेगा, दोनों चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा, और वो जो फोर्स होगा वो सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा। फोर्स डिफरेंट इसलिए होगा क्योंकि दोनों चार्ज अलग हैं और यहाँ पे इनकी वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट है। तो क्वेश्चन में ये दिया गया है कि अगर उनका फोर्स का रेशियो 1:2 है तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल्स, उनकी वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो अगर फर्स्ट पार्टिकल की बात करें, पार्टिकल ए की बात करें, तो उस पर जो फोर्स हम निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा, और इसे एफ ले लेते हैं, ए ले लेते हैं क्योंकि फोर्स ऑन ए हो गया, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ए। अगर हम लोग पार्टिकल बी की बात करते हैं, सेकंड पार्टिकल की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास हो गया फोर्स ऑन पार्टिकल बी, और अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे क्यू वी बी साइन थीटा तो चार्ज में आप क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि सेकंड पार्टिकल जो पार्टिकल बी है उसका चार्ज कितना है, 2q है। तो पार्टिकल का चार्ज हो गया वो क्या हो गया, 2q। वेलोसिटी उसकी क्या होगी, वी बी, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बी, और साइन थीटा की जगह साइन थीटा आ गया। मतलब अगर वो पार्टिकल सेम एंगल से एंटर कर रहे हैं, जैसे मान लो अगर यहाँ परपेंडिकुलरली एंटर कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो अगर दो चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पर एंटर करते हैं, अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 90 डिग्री होता है तो साइन 91 हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। और अगर आप रेशियो निकालो, डिवाइड करो, तो क्यू से क्यू कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, और जो फाइनल रिलेशन आएगा वो होगा एफ ए बाय एफ बी इज इक्वल टू वी ए, ये कट जाएगा, ये वैसे 1 हो जाएगा दोनों, 2vb। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आया। अगर हम लोग एफ ए बाय एफ बी की वैल्यू पुट कर दें जो कि होती है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, वी ए बाय 2vb, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो जो वी ए और बाय वी बी का रेशियो होगा वो क्या होगा, 1/1। तो वेलोसिटीज का जो रेशियो होगा वो 1/1 होगा, ये हमें प्रूफ करना था, और इसी के साथ ही हमारा न्यूमेरिकल पूरा हो गया। और इसके अंदर हमें दिया हुआ है कि ये तीन पार्टिकल हैं, एक अल्फा पार्टिकल है, एक न्यूट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं और इनकी वेलोसिटी बराबर है, इक्वल वेलोसिटी से एंटर कर रहे हैं, और आप लोगों से पूछा गया है कि इनका पाथ कैसे ट्रेस होगा। पाथ ट्रेस का मतलब ये है कि जैसे कि कैसे जाएंगे, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये सीधा जाएगा, ये कैसे जाएगा, ये हमसे पूछा हुआ है। तो जब हमें पाथ ट्रेस करना होता है तो हमें पता होना चाहिए कि ये किस तरफ जाएगा, अल्फा पार्टिकल ऊपर बेंड होगा या नीचे बेंड होगा, न्यूट्रॉन ऊपर बेंड होगा नीचे बेंड होगा या सीधा जाएगा, और ये हम लोग किस बेसिस पे निकालते हैं, जो पाथ ट्रेस है वो हम लोग इस फॉर्मूले के बेसिस पे निकालते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि अगर हम लोग न्यूट्रॉन को देखें और न्यूट्रॉन की बात करें, तो बेसिकली ये एक, हम कहते हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चलता है उस पर फोर्स लगता है, और फोर्स होता है क्यू वी बी साइन थीटा या क्यू वी क्रॉस बी। बट अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, जीरो। अगर न्यूट्रॉन का चार्ज जीरो हो जाएगा तो न्यूट्रॉन पर कुछ फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा, और अगर न्यूट्रॉन पर कुछ फोर्स नहीं लगेगा तो न्यूट्रॉन सीधा सीधा चला जाएगा, ऐसा उसका पाथ क्या होगा, सीधे सीधे। एक्चुअली क्या होता है, कई बार बच्चे पूछते हैं सर ये पाथ इनका ऊपर या नीचे क्यों होगा, जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है इस पर फोर्स लगना चालू होता है।
अगर इस पे फोर्स लगता है, जैसे मान लो अल्फा पार्टिकल पे फोर्स लगता है, हमें फोर्स निकालना है, मान लो अल्फा पार्टिकल पे फोर्स लगा, अगर ऊपर फोर्स लगा तो अल्फा पार्टिकल ऊपर टर्न हो जाएगा, अगर नीचे फोर्स लगा तो अल्फा पार्टिकल नीचे टर्न हो जाएगा। तो फोर्स के बेसिस पे हम बता सकते हैं वो किस डायरेक्शन में टर्न होगा, क्या उसकी ट्रेजेक्टरी होगी। यहां पर अगर हम लोग देखें तो हमें निकालना है फोर्स, तो न्यूट्रॉन की हम बात करें तो न्यूट्रॉन पे फोर्स लगेगा ही नहीं, और अगर न्यूट्रॉन पे फोर्स नहीं लगेगा तो न्यूट्रॉन सीधा सीधा चला जाएगा। फिर हम बात करते हैं अल्फा पार्टिकल की, फॉर अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, तो अब हम लोग अल्फा पार्टिकल पे फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं। तो अगर हम मान लें कि हमें फोर्स निकालना है, फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, तो अल्फा पार्टिकल में अगर देखो चार्ज क्या होता है अल्फा पार्टिकल का, टू ई होता है। मान लो वेलोसिटी वेक्टर क्या मान लो, अब जो चार्ज पार्टिकल है वो कैसे एंटर कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये होती है एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन को आप लिख सकते हो वी आई। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कैसी है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इनसाइड है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग नेगेटिव के कहते हैं, माइनस जेड डायरेक्शन। तो जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, माइनस बी के। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाते हैं, यूज करते हैं, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो चार्ज क्या हो गया यहाँ पर, टू ई हो गया, वेलोसिटी क्या हो गई, वी आई हो गई, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, माइनस बी, माइनस बी के हो गई, और माइनस साइन को बाहर ले आओ, इन सबको इकट्ठा कर लो, ये हो गया माइनस टू ई वी बी, और ये हो गया आई क्रॉस के। तो जब हम लोग पढ़ते हैं आई जे के, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, अगर आप आई और के का क्रॉस प्रोडक्ट करो तो हमें क्या मिलता है, माइनस जे मिलता है। तो यहां मैं माइनस जे लगा दूंगा, ये हो जाएगा माइनस टू ई वी बी, और ये हो जाएगा माइनस जे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो टू ई वी बी जे। तो इस पे जो अल्फा पार्टिकल पे फोर्स जो लगेगा वो जे डायरेक्शन में लगेगा। जे क्या होता है, जे जो होता है वो वाई डायरेक्शन होता है, मतलब इस पे इधर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और इधर फोर्स लगने की वजह से ऊपर की तरफ टर्न हो जाएगा, तो उसका ट्रेजेक्टरी या पाथ ऊपर की तरफ होगा। अगर हम लोग सेम इलेक्ट्रॉन के लिए करते हैं तो इलेक्ट्रॉन में फर्क क्या होगा, एक तो चार्ज वगैरह का फर्क हो जाएगा, डायरेक्शन में अगर हम निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, इसका चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए करते हैं अगर हम लोग फॉर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा, चार्ज क्या हो जाएगा, माइनस ई हो जाएगा। वेलोसिटी तो सेम ही है क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये डायरेक्शन क्या होती है, एक्स डायरेक्शन होती है, ये हो जाएगा वी आई। और मैग्नेटिक फील्ड इसी तरीके से माइनस बी के हो जाएगा। तो अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं वी क्रॉस बी का, तो क्यू वी क्रॉस बी पुट करते हैं, तो क्यू क्या हो जाएगा, माइनस ई, ये क्या हो जाएगा, वी आई, और ये हो जाएगा माइनस बी के। माइनस को माइनस को, माइनस को बाहर ले लो, ये क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा ई वी बी, ये हो जाएगा आई क्रॉस के। आई क्रॉस के क्या होता है, आई क्रॉस के क्या होता है, माइनस जे होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ई वी बी माइनस जे, माइनस बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस ई वी बी जे। बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे जो डायरेक्शन फोर्स की है वो क्या है, माइनस जे। माइनस जे क्या होता है, प्लस जे ऊपर होता है, माइनस जे नीचे होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो नीचे लगेगा, इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होगा वो नीचे की तरफ होगा। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग ट्रेजेक्टरीज क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल ऊपर जाएगा और इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा और न्यूट्रॉन सीधे जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी इसी टॉपिक पे बेस्ड है, फिजिकल टू वी क्यू वी क्रॉस वी। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वायर है, इस वायर से करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये प्रोटॉन है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो पूछा गया है कि इस प्रोटॉन पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। तो देखो यार, अगर आपको इस प्रोटॉन पे फोर्स निकालना है तो प्रोटॉन पे फोर्स लगेगा क्यों, सबसे पहली बात है, क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है किसी की वजह से, क्योंकि फोर्स तो तब लगता है जब मैग्नेटिक फील्ड होती है। हाँ, यहाँ पर ये जो वायर है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, और वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसी होती है, राइट हैंड रूल से बताते हैं, इस तरीके से होगी। तो अगर इधर देखा जाए तो इस साइड क्या होगी, इनसाइड, इनसाइड को हम लोग क्या लिखते हैं, क्रॉस। तो प्रोटॉन पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रॉस है, मतलब इनसाइड है, और इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड है, ये इसकी वेलोसिटी है। इस पर फोर्स निकालना है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो एफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। वेलोसिटी किधर हो जाएगी, नीचे जा रहा है, ऊपर जब जाता है तो प्लस वाई होता है, जब नीचे जाता है इसे कहते हैं माइनस वाई। माइनस वाई मतलब कि ये हो जाएगा वी, सॉरी वी माइनस जे, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो क्या हो जाएगी, बी माइनस के।
ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो फोर्स आप निकालोगे तो फोर्स ये हो जाएगा ई वी जे क्रॉस के, और आई जे के सॉल्व करेंगे हम लोग आगे, तो जे क्रॉस के क्या होगा, आई हो जाएगा, तो ई वी आई, और ये बी भी है यहाँ पर लगा लीजिएगा। तो इस पे फोर्स की जो डायरेक्शन आई वो क्या आई, आई डायरेक्शन, आई मतलब कि एक्स डायरेक्शन, तो इस पे फोर्स लगेगा एक्स डायरेक्शन, मतलब फोर्स इस साइड लगेगा, तो प्रोटॉन पे राइट साइड फोर्स लगेगा, और किस डायरेक्शन में लगेगा, एक्स डायरेक्शन में लगेगा। ये हमारा सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। दिया हुआ है यहाँ पर, और ये बोल रखा है कि ये एक प्रोटॉन है, ये अल्फा पार्टिकल है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं, तो इनका पाथ कैसा होगा, उनका रेडियस का रेशियो क्या होगा, ये हमें बताना है। तो जैसे कि हमें पता है कि जब कभी प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल या कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो इसका जो पाथ होगा वो सर्कुलर होगा, और उसका जो रेडियस होता है हम लोग इन दोनों फॉर्मूले से मतलब आमतौर पर बताते हैं, ये हम लोग फॉर्मूला ऐसे यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम देखें तो हमें रेडियस का रेशियो निकालना है, बट पहले हम लोग जान लेते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1u, चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होता है 1e, मास ऑफ अल्फा क्या होता है 4u, और चार्ज ऑफ अल्फा क्या होता है 2e। अगर हमें बोला है कि दोनों की वेलोसिटी सेम है और रेडियस का रेशियो निकालना है, तो आप सबसे पहले यहाँ पर ले लोगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं रेडियस ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी चार्ज ऑफ प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है भाई, 1u, वेलोसिटी v हो गई, चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया 1 हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया b हो गया। तो इससे हमने निकाल लिया कि ये हमारा क्या हो गया, रेडियस ऑफ प्रोटॉन हो गया। अब हम लोग निकालेंगे रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है 4u, 4 होता है, वेलोसिटी v हो गया, चार्ज चार्ज कितना हो गया 2 हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड b हो गया। अब अगर आप इसका रेशियो निकालो तो यहाँ पे रेडियस क्या हो गया प्रोटॉन का, v बाय b हो गया, और जो अल्फा पार्टिकल है उसका रेडियस क्या हो गया, इसे कैंसिल कर देंगे, क्या हो जाएगा ये 2v बाय b हो जाएगा। काटोगे v से v कैंसिल, b से b कैंसिल, तो ये जो रेशियो आ जाएगा रेडियस ऑफ प्रोटॉन बाय रेडियस ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे आंसर आ जाता है यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, बट एक्चुअली हमें आगे भी करना है, यहाँ तक खत्म नहीं होता है क्वेश्चन। हमारा ये आंसर तो आ गया है कि रेडियस का जो रेशियो होगा 1:2 होगा, बट एक्चुअली हमें पाथ भी दिखाना है कि कैसे ये जाएगा। तो जिसका रेडियस बड़ा होगा, जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन रेशियो रेडियस ऑफ अल्फा, रेडियस ऑफ अल्फा 1:2 में आ रहा है, तो आप देख सकते हो कि अल्फा का रेडियस बड़ा है, तो अल्फा का रेडियस बड़ा है तो अल्फा का कर्वेचर भी बड़ा होगा, मतलब कर्वेचर ऐसे बहुत बड़ा होगा ऐसे यूं, और प्रोटॉन का रेडियस छोटा है तो प्रोटॉन का कर्वेचर छोटा होगा, मतलब ये ऐसे छोटा सा कर्वेचर होगा इस तरीके से। तो आप इस तरीके से शो कर सकते हो कि इनका पाथ इस तरीके का होगा, और ये हमारा आंसर आ गया, एक्सप्रेशन आ गया। एक क्वेश्चन करने वाले हैं, और जो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जब कभी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करता है, मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है और वो सर्कुलर पाथ में घूमने लग जाता है, ये कॉन्सेप्ट हम लोग है हमारे पास, और इस पर हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो उसका जो रेडियस का एक्सप्रेशन होता है, होता है एम वी बाई क्यू बी, और मास इंटू वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हो, मोमेंटम, यहाँ पे इसको आप क्या लिख सकते हो, मोमेंटम। और ये सब क्या है, ये मास है, ये वेलोसिटी है, चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये रेडियस है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन है। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, ये सेम मोमेंटम से कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं, और ये जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेंगे तो बेसिकली इन पे फोर्स वगैरह लगेगा, और ये इनका पाथ सर्कुलर सा हो जाएगा, तो इनका रेडियस का क्या रेशियो होगा, रेशियो ऑफ रेडियस निकालना है। तो पहले आप लोग जान लो प्रोटॉन
प्रोटॉन के बारे में, अगर प्रोटॉन के बारे में बात की जाए तो प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस ई, प्रोटॉन का मास क्या होता है? 1u। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ड्यूट्रॉन की, ड्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है? ड्यूट्रॉन का चार्ज होता है प्लस ई, बट ड्यूट्रॉन का मास होता है 2u। अगर आपको रेडियस का रेशियो निकालना है तो ये वैल्यूज हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। तो प्रोटॉन के लिए अगर आप रेडियस निकालते हो, फॉर रेडियस ऑफ प्रोटॉन, आप लोग ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करोगे या ये वाला यूज़ करोगे? इस केस में आप लोग ये वाला यूज़ करोगे, क्योंकि आपको दिया हुआ है कि दोनों का मोमेंटम क्या है, सेम है। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा? मोमेंटम, चार्ज ऑफ प्रोटॉन और मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा भाई? चार्ज ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा ई, ई और मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही अगर आपको रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन लेना है तो मोमेंटम, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन और मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन कितना है यहाँ पे भाई? चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन है ई, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है यहाँ पर? बी। और यहाँ पर अगर आप इनका रेशियो निकालो, डिवाइड करो, तो ये कट जाएगा और ये रेशियो आ जाएगा 1:1। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या है? 1:1 है। तो जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम मोमेंटम से एंटर करता है तो उनके रेडियस का क्या रेशियो होगा? उनके रेडियस का रेशियो होगा 1:1, 1:1। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है और ये हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ये न्यूमेरिकल मेनली किसी एक कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड न्यूमेरिकल है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है देखते हैं एक बार। ये एक कॉइल है और इसका रेडियस ए मान रखा है। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि इसका एक एक्सियल पॉइंट है जो कि इसके सेंटर से a√3 दूरी पे है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मान लो b2 है और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड b1 है। तो हमें इस पॉइंट पे, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो निकालना है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं? देखिए, सेंटर पे तो मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई बाय 2r। तो सेंटर पे तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। बट एक्चुअली एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किस फॉर्मूले से निकालेंगे? ये एक्सियल पॉइंट के लिए है। तो अगर हम लोग यहां देखें तो b1, ये इस फॉर्मूले से b1 आ जाएगा और इस फॉर्मूले से हमारे पास b2 आ जाएगा। तो चलिए b1 कैलकुलेट करते हैं। तो b1 ये आ जाएगा म्यू नॉट आई की जगह म्यू नॉट आई आ जाएगा 2। यहाँ रेडियस की जगह a बोल रखा है तो यहाँ पे हम लोग a ले लेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे आ जाएगी। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे निकालनी है, म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट आ जाएगा, आई की जगह आ जाएगा। तो यहाँ पर a ही को हमने रेडियस मान रखा है, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा? रेडियस ये हो जाएगा ए स्क्वायर, 2 की जगह 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा रेडियस का स्क्वायर। और यहाँ x की जगह ये जो डिस्टेंस होता है इसे हम x लेते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे a√3 के बराबर है। तो आप x को क्या पुट कर सकते हो? x इज इक्वल टू a√3 पुट कर सकते हो। जब आप यहाँ पुट करोगे यहाँ पे x की जगह a√3, तो ये हो जाएगा a√3 का होल स्क्वायर की होल की पावर 3/2। इस तरीके से ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर और 2 की जगह 2 आ जाएगा ए स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर क्या होगा? √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और a का स्क्वायर हो जाएगा ये की पावर 3/2। फिर हम लोग इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर हो जाएगा 2, ये 3 और 1 ऐड होके क्या हो जाएगा? 4a² की पावर 3/2। अब यहाँ पर ये चेक करें कि 4a² की पावर 3/2 क्या होगा। अगर आप लोगों को 4a² की पावर 3/2 निकालना है तो यहाँ पे हम लिखते हैं, साइड में देखते हैं यहाँ क्या होगा। 4a² की पावर 3/2, तो सबसे पहले हम इसे रूट कर लेंगे, 1/2 पावर कर लेंगे। तो मतलब कि ऐसे लिख देंगे 1/2 × 3। इसका रूट कितना होगा? इसका रूट होगा 4a² का 2a की पावर 3। 2a की पावर 3 क्या हो जाएगा? इसकी क्यूब कर लो तो क्या हो जाएगा? 8a³। तो ये हमारे पास 8a³ आ जाएगा। तो जब मैं इसे लिखूंगा ये हो जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2 8a³। ये कट जाएगा, नीचे a आ जाएगा और यहाँ पर ये म्यू नॉट आई और
16A हो जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। अब एक्चुअली क्या है कि अब मैग्नेटिक फील्ड आ गई, अगर आप इसका इसका रेशियो निकालो, अगर आप इसका रेशियो निकालो तो ये B1 बाय B2, B1 क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2A हो जाएगा, और B2 क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 16A हो जाएगा। ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, ये A से कट जाएगा, 16 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 16/2, क्या आ जाएगा 8। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो आया इन दोनों पॉइंट्स, बस एक क्वेश्चन है जिसके अंदर दो कॉइल्स परपेंडिकुलरली रखी हुई हैं, जैसे एक कॉइल ऐसे रखी हुई है और एक कॉइल ऐसे रखी हुई है, एक कॉइल में करंट आई है, एक कॉइल में करंट √3 आई है, दोनों कॉइल्स वैसे आइडेंटिकल हैं, दोनों का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, मतलब रेडियस दोनों का सेम है, हमें सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स एन है। तो किसी एक कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, एन म्यू नॉट आई बाय 2 आर, किसी भी कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। तो जैसे यहाँ पे दो कॉइल्स हैं, अब इसकी सेंटर पे भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसके पे भी होगी, देखते हैं कैसे। एक्चुअली हमने पढ़ा है कि किसी भी कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो हम राइट हैंड रूल से उसकी डायरेक्शन पता करते हैं। जो ये कॉइल है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, जो नीचे हॉरिजॉन्टल रखी हुई है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगी जब आप लोग राइट हैंड रूल लगाओगे। तो ये जो नीचे कॉइल है इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगी, और जो कॉइल ऐसे साइड में रखी हुई है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस साइड होगी, राइट हैंड रूल लगाएंगे तो ये दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो जो इनकी मैग्नेटिक फील्ड होगी इसकी हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं, एक काम करते हैं। तो ये जो कॉइल है सबसे पहले वाली कॉइल देख लेते हैं, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग ये लगाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से जो होगी इसको मान लो V1, और ये हो जाएगा N म्यू नॉट, बट यहाँ करंट नहीं, यहाँ करंट जो है वो √3 आई है, तो ये हो जाएगा √3 आई, और रेडियस इसका 2 आर है। और ऐसे यहाँ पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लो इसकी वजह से, तो नंबर ऑफ टर्न N है, म्यू नॉट करंट इसमें I है, और ये 2 आर है। तो अगर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो आपको इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, दोनों राइट एंगल पे लग रही है, तो रिजल्टेंट लगाओगे आप लोग तो इन दोनों में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो अगर हम लोग नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो हम लोग रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था, दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B1 का स्क्वायर + B2 का स्क्वायर + 2B1B2 cos थीटा, बट यहाँ पे जो आगे की टर्म है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ जो कॉस थीटा है या कॉस 90 है दोनों में एंगल, वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इस फॉर्मूले से आ जाएगी। तो अब हम लोग इसका रिजल्टेंट यहाँ निकालते हैं इस वाले स्क्रीन पे, इस वाली जगह। तो ये मैं वैल्यूज लिख देता हूँ, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड मुझे निकालनी है, और मैं यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में दोनों की वैल्यूज पुट कर देता हूँ। ये B1 की वैल्यू ये रही, तो ये B1 की वैल्यू ये रही, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा N² μ0² 3√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3i² और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4r², और प्लस में क्या होगा, प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे हो जाएगा N² μ0² i² / 4r². अब इसको ऐड करेंगे ये 3 और ये 1, 4, 4 μ0² N² I² कुछ बचा नहीं, ये क्या हुआ 4r², 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो जब ये रूट से बाहर आ जाएगा, अभी आप ये रूट से बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट NI/R या फिर N μ0 I/R। तो इस तरीके से नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। बट एक्चुअली अगर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड का और मतलब एंगल निकालना है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड का एंगल क्या होगा, तो हम यहाँ देख सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। देखो एक्चुअली क्या होता है कि दो वेक्टर्स के बीच के एंगल निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं वैसे तो, और अगर आप कंपेयर करो, मान लो आप जैसे ये है, इसकी वैल्यू को आप B मान लो, ये इस पूरी वैल्यू को आप B मान लो,
पूरी वैल्यू को अगर आप बी मान लो, तो बी टू को आप बी लिख सकते हो, और तो फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट थ्री एक्स्ट्रा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी वन, क्या हो जाएगा, रूट थ्री बी हो जाएगा। तो अगर आपको इन दोनों का रिजल्टेंट लेना है, जैसे इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में कहीं होगा, तो रिजल्टेंट का कितना एंगल बन रहा है ये निकालना है। तो आप इस वेक्टर को उठा के यहाँ रख सकते हो, ये वेक्टर को उठा के रखोगे तो ये हो जाएगा बी, फिर टेन फाई लगा दो, टेन फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो जाएगा बी, और बेस हो जाएगा रूट थ्री बी, बी से बी कट जाएगा, टेन फाई वन बाय रूट थ्री हो जाएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू वन बाय रूट थ्री कब होती है, जब एंगल 30 डिग्री होता है, जो रिजल्टेंट होगा उसका एंगल 30 डिग्री होगा किसके साथ, विथ हॉरिजॉन्टल। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं और यहाँ एंगल निकाल लेते हैं कि रिजल्टेंट कितने मैग्नीट्यूड का होगा और रिजल्टेंट किस एंगल पे लगेगा। ओके, हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, और क्वेश्चन में ये दे रखा है कि अगर आप ये दो कॉइल्स के बीच में हो और आप यहाँ पर हो, मतलब यहाँ पे आप खड़े हुए हो, तो आपको लगेगा कि इस वाली कॉइल में जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है, और आप जब इसको देखोगे तो आपको लगेगा इसमें जो करंट है क्लॉकवाइज है, और दोनों में करंट सेम है, मतलब करंट आई है। और बट एक्चुअली क्या है कि आपको बताना है कि मिड पॉइंट जो सेंटर है दोनों का, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। यहाँ पे एक चीज़ ये दे रखी है कि इनका रेडियस आर है, दोनों का रेडियस सेम है, दोनों आइडेंटिकल कॉइल्स हैं, और दोनों में जो सेपरेशन है वो 2 आर है, और ये जो इंसान है ये मिड पॉइंट पे खड़ा है। तो यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है कि ये रेडियस और ये रेडियस के टर्म्स में ही दे रखा है, मतलब ये रेडियस के टर्म्स में ही दे रखा है, और अगर आप ये मिड पॉइंट है तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, रेडियस के बराबर हो जाएगा डिस्टेंस। तो अभी हमें बताना है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो सबसे पहले हमें वेक्टोरिकली देखना होगा कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी। तो अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट है, देखो अगर क्लॉकवाइज करंट है तो ऐसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज करंट ऐसा होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट के हिसाब से आप ये डायरेक्शन लोगे तो डायरेक्शन इस साइड आएगा। तो इस एंटी क्लॉकवाइज करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो बी वन जो होगी वो इधर होगी, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो राइट साइड होगी, जैसे बी वन। और इसमें क्लॉकवाइज अगर करंट फ्लो कर रहा है, मतलब ऐसे, तो इसकी वजह से आप राइट हैंड रूल लगाओ डायरेक्शन निकालने के लिए, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी उसी साइड आएगी, राइट साइड आएगी। तो जो बी टू होगा वो भी उसी साइड होगा, और एक्चुअल में क्या होगा कि बी वन और बी टू बराबर होंगे, बी वन और बी टू बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि करंट सेम है, डिस्टेंस सेम है, सब आइडेंटिकल है, बी के बराबर होंगे। तो मैं इसको यहाँ बी बी लिख देता हूँ। तो अगर आप यहाँ देखो तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा यहाँ पे 2B। अगर आप दोनों की मैग्नेटिक फील्ड को ऐड कर दोगे तो यहाँ पे 2B आ जाएगा। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में कि इनमें से एक कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे निकालनी है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और इस तरीके से नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है, फर्क ये है यहाँ ये जो एक्स डिस्टेंस है ये आर के बराबर है यहाँ पर, ठीक है, आप एक्स की जगह आर पुट कर दो। तो इस तरीके से नेट मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल लेंगे, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर, एक्स की जगह आर पुट कर दो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर की पावर 3/2, और नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर हो जाएगा 2 2 आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो अब आप इसे सॉल्व करना, तो पहले आप 2 आर स्क्वायर को अगर आप सॉल्व करोगे, मतलब जैसे यहाँ पे 2 आर स्क्वायर की पावर 3/2 इसे सॉल्व करोगे, तो पहले इसे ऐसे लिख दो 1/2 × 3, तो इसका रूट क्या हो जाएगा, रूट टू 2 आर स्क्वायर, रूट टू आर, फिर पावर 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2 r³। तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आ जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्या हो जाएगी, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 × 2√2 r³, ये कट जाएगा, नीचे आर आ जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक की वजह से फील्ड है, तो एक की वजह से, सॉरी नेट मिटा देता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि नेट अभी नहीं निकाल रहे, ये तो एक्सियल पॉइंट पे फील्ड है। तो एक्सियल पॉइंट पे जो फील्ड है एक की वजह से वो आ जाएगी म्यू नॉट आई बाय 4√2 r, इस तरीके से एक की वजह से एक्सियल पॉइंट पे फील्ड आ जाएगी। अब एक की वजह से आ गई तो हमें पता है कि यहाँ पर हमें क्या करना है कि 2 से मल्टीप्लाई कर देना नेट के लिए,
तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी है, तब टू से मल्टीप्लाई कर दो, टू इंटू म्यू नॉट आई बाय 4√2 आर आ जाएगा, ये टू से ये कट जाएगा, टू आ जाएगा। तो जब नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी वो आएगी म्यू नॉट आई बाय 2√2 आर। इस तरीके से हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, और किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो ये हमारा यहाँ पे न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है। हमें दो कॉइल्स दे रखी हैं और दोनों कॉइल इस तरीके से कुछ प्लेस्ड है, फिगर ऐसे दे रखी है, दोनों कॉइल आइडेंटिकल हैं, दोनों का रेडियस सेम है, दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है, और एक पॉइंट दे रखा है जो कि ओ पॉइंट है, इस पे नेट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। और दोनों कॉइल थोड़ा सा अलग तरीके से रखी है, ये ऐसे रखी हुई है और ये इस तरीके से रखी हुई है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। अब देखते हैं अच्छा एक्चुअली क्या होता है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी इस पॉइंट पर, और इसकी वजह से कितनी होगी और किस डायरेक्शन में होगी। तो आप राइट हैंड रूल लगाओगे और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ आ जाएगी, देखो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगी, और इसके लिए राइट हैंड रूल लगाओगे तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर आ जाएगी। राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं हम लोग किसी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो, थंब की डायरेक्शन आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देती है, ये हम लोग 10th क्लास में भी पढ़ते हैं। तो क्या दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी? हाँ, यहाँ पे दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों का डिस्टेंस, दोनों का करंट सब कुछ सेम है। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक की वजह से या दूसरी की वजह से, अगर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है जो कि इनके बीच में कहीं होगी, रिजल्टेंट होगा, तो उसके लिए आपको वेक्टर एडिशन यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं एक्सियल पॉइंट के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास सब चीज़ें दे रखी हैं ये सब, तो बेसिकली हम लोग किसी एक कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है तो आप फॉर्मूला यूज़ करोगे रिजल्टेंट वाला। रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आगे जीरो हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में एंगल 90 डिग्री है और कॉस 90 जीरो होता है। जब कभी दो वेक्टर में एंगल 90 डिग्री होता है तो ये वाली टर्म जीरो हो जाती है। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2b स्क्वायर, या क्या हो जाएगा? b√2। इसका क्या मतलब है? जो एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है उसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये रही कितनी है? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 r² प्लस x² और 3/2, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय √2 r² प्लस x² की पावर 3/2। इस तरीके से नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अगर आपको डायरेक्शन निकालना है तो फिर वही आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, कि ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है, रिजल्टेंट है, आप इस वेक्टर को उठा के यहाँ रख दो, ये भी बी हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा, और ये रिजल्टेंट है, इसका मान लो ये हॉरिजॉन्टल के साथ फाई एंगल बना रहा है। अगर आप इसको उठा के यहाँ रख दोगे तो ये बी हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा। अगर यहाँ पर 10 फाई की बात करो आप, 10 फाई, तो ये परपेंडिकुलर है बी, और बेस भी क्या हो जाएगा? बी, बी से बी कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 1। तो फाई क्या हो जाएगा? 1 कब होता है? 10 थीटा, 45 डिग्री पे। तो रिजल्टेंट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहे है? 45 डिग्री बना रहे, सॉरी। इसके साथ यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ जो मैग्नीट्यूड है वो आप इस फॉर्मूले से निकाल लोगे, और जो डायरेक्शन है वो आप इस फॉर्मूले से निकाल लोगे।